السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना तारीफ और तौसीफ अजमत और बुजुर्गी किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है जिसके फजल व एहसान से एक बार फिर हम दरस कुरान और तफसीर कुरान की इस मजलिस में जमा हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इताअत और फरमा बरदारी के कामों के लिए कबूल फरमा दें। अल्लाह ताला हमको कुरान मजीद के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर गौर व फिक्र करने वाला, उसके हकाम पर अमल करने वाला, उसकी खबरों पर यकीन रखने वाला, उसको अपने गमों का मदावा और अपने दुखों का इलाज बनाने वाला बनाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है और हम सूरह बकरा की आयत नंबर 233 233 नंबर की आयत पर पहुंचे हैं और आज इंशाअल्लाह ताला इस आयत से अपनी तफसीर का आगाज करेंगे। जैसा कि मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि जो बहस चल रही है वो तलाक और खुला और उससे मुतालिक मसाइल से चल रही है। अब इन मसाइल के दरमियान में एक मसाला आया है बच्चे की रजात के हवाले से और उसके बारे में कुछ अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ इन आयतों के अंदर जिक्र किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पूरी आयत में मुख्तलिफ अहकाम जो बच्चे को दूध पिलाने से मुतालिक हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे और हमारे समाज के एतबार से ये बहुत अहम तरीन अहकाम है जिसके हवाले से काफ़ी लोगों में जहालत पाई जाती है या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के होते हैं और लोग जहालत की वजह से वो काम करते हैं। वल वालिदात तो युर्ज़िना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी। वल वालिदात और माएँ, वालिदा मतलब होता है माँ, उसकी जमा है वालिदात। माएँ युर्ज़िना पिलाती हैं, पिलाएं, असल में युर्ज़िना फेले मुजारे हैं और उसका अगर लिटरली तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा होगा पिलाती हैं या पिलाएंगी। लेकिन कभी कभी अम्र के जो बहुत सारे सेगे होते हैं उसूल फिक में ये बहस अक्सर आती है कि अम्र का सेगा यानी किसी चीज़ को अल्लाह ताला को हुक्म देना होता है तो एक तो होता है कि अल्लाह ताला हुक्म दे बाकायदा अम्र के सेगे से और कभी कभी हुक्म देने के लिए मुजारे का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़ास तौर पर जो हमारे अरबी ग्रामर के और हमारे कुरानी अरबी के तलबा और तालबात हैं उनको इस पर खसूसी तौर पर गौर करना चाहिए। उसूल फिक का एक अहम तरीन कायदा है कि हमेशा फेले अमर ही के जरिए से हुक्म नहीं दिया जाता, कभी कभी फेले मुजारे के जरिए से भी हुक्म दिया जाता है और ये उसी कबील से है। बल्कि उलमा ने यह कहा है कि फेले अमर के मुकाबले में फेले मुजारे से अगर हुक्म दिया जाए तो उसमें एक ताकीद के माना भी पैदा हो जाते हैं। जैसे पिलाएंगे, हमारे यहाँ पे फ्यूचर टेंस है ना, पिलाएंगी, लेकिन आप देखते हैं कभी कभी किसी चीज का हुक्म देने के लिए फ्यूचर टेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कोई टीचर जो है वो अपनी क्लास में ये कहे कि कल आप सब लोग ये करके लाएंगे तो ये टेंस के एतबार से तो देखें ये फ्यूचर टेंस है, आप सब लोग कल होमवर्क करके लाएंगे या आप लोग सब कल मैथ्स की बुक लेकर आएंगे तो ये है तो असल में फ्यूचर टेंस। लेकिन कभी कभी फ्यूचर टेंस के जरिए से किसी चीज का तलब भी किया जाता है, फेले अम्र नहीं इस्तेमाल किया जाता बल्कि फेले मुजारे यानी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाता है और उसका मकसूद होता है किसी चीज का हुक्म देना। तो जब फ्यूचर टेंस में ये फ्यूचर टेंस में इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो लोग अरबी के इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं है ना होके वो समझ ले, वरना इसको असल हम कहेंगे मुजारे और मुजारे में फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस दोनों माने पाए जाते हैं कि पिलाती हैं या पिलाएंगी। तो मुजारे के जरिए से कभी कभी किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा होता है यानी फेल होता है मुजारे लेकिन उसमें तलब होती है। तो यहाँ तर्जमा अगरचे लिटरली होगा कि औरतें पिलाएंगी अपने बच्चों को दूध, लेकिन असल में अल्लाह ताला एक तरह से हुक्म दे रहा है कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। कब तक दूध पिलाएं? हौलैनी कामिलैनी, मुकम्मल दो साल, मुकम्मल दो साल औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी।
अब इसमें हमको बहुत सारी आयतें पता चली। पहली बात, वालिदात में जो अलिफ लाम है वो इस्तिगराक के लिए है, और अलिफ लाम इस्तिगराक के लिए इसका मतलब ये होता है कि हर किस्म की वालिदा जो है वो इसमें शामिल है। जो भी औरत जिसने बच्चा जना है वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, चाहे वो औरत अपने शोहर के निकाह में हो, चाहे अपने शोहर के निकाह से निकल गई हो, चाहे मुतल्लका हो, चाहे बेवा हो, चाहे मुख्तलिया हो, चाहे वो औरत, हत्ता कि अगर औरत की जिना की वजह से कोई औलाद हुई है, यानी कोई औरत ऐसी है जिसने जिना किया और जिना की वजह से औलाद हो गई, उसका कोई शोहर नहीं है, तो भी उस पर वाजिब है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। बच्चा जिसके पेट से पैदा हुआ है, जिस औरत ने उस बच्चे को जना है, वो चाहे किसी भी तरह की औरत हो, वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। वल वालिदा तो युरज़ैना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, और तमाम माएं, इसलिए मैं तमाम का तर्जमा कर रहा हूँ क्योंकि अलिफ लाम इस्तिगराक के लिए आया है और अलिफ लाम के बहुत सारे अरबी में माना होते हैं, तो एक माना तमाम के भी होते हैं। जैसे अलहमदो का तर्जुमा हम कहते हैं तमाम तारीफें, तो अलिफ लाम भी क्योंकि इस्तिगराक के लिए आया है तो हम कहें तमाम औरतें, तमाम माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी। हौलैनि मुकम्मल, कामिलैनि 2 साल, मुकम्मल 2 साल, हौल का मतलब होता है साल, कामिल यानी मुकम्मल, हौलैनि कामिलैनि मुकम्मल 2 साल। हाला लैल हौल बोलते हैं ना, हौलाने हौल, जब ज़कात की बहस आती है उसमें हम देखते हैं कि ज़कात की फर्जियत के लिए एक शर्त है हौलाने हौल, 1 साल का गुजर जाना, तो हौल का मतलब होता है साल, हौलैन यानी 2 साल, हौलैनि कामिलैनि मुकम्मल 2 साल। हौलैन कह दिया जाता तो भी बात काफी थी, कामिलैन कह के और ताकीद की गई कि 2 साल यानी मुकम्मल 2 साल, 12-12 महीने के 2 साल यानी 24 महीने वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी। अब क्योंकि ये अम्र का सेगा है और अम्र जो है वो वजूब पे दलालत करता है, इसलिए उलमा ने कहा है कि औरतों के लिए वाजिब है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं, क्योंकि ये मुजारे है, अम्र का सेगा नहीं है तो ये मुजारे, लेकिन क्योंकि इसमें तलब है, बल्कि ताकीद के साथ तलब है, जैसा कि मैंने बताया कि अम्र के बजाय अगर मुजारे से हुक्म दिया जाए तो तलब में ताकीद पैदा हो जाती है, तो क्योंकि ताकीद के साथ ये हुक्म दिया गया है कि औरतें बच्चों को दूध पिलाएं, लिहाजा वाजिब है औरतों पर कि वो बच्चों को 2 साल कामिल तरीके से दूध पिलाएं। इस आयत से भी ये पता चलता है और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिससे भी ये पता चलता है कि औरत को वाजिब है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हज़रत अबू मामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हो की मशहूर हदीस है, हदीस मेराज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लम सोए हुए थे, दो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के बहुत सारे जो है वो मनाजिर दिखाए गए, उसमें से एक मंजर ये दिखाया गया कि कुछ औरतें हैं, सुम्मन तलका भी, फिर मुझे लेके जाया गया, मुझे लेकर के गए फरिश्ते, फ़ाइदा अना बिनिसाइन तनहशो सदियहुन्ना अलहयात, मैंने कुछ ऐसी औरतों को देखा जिनके सीनों से सांप लिपटे हुए थे, यानी सीने से उनके सांप लिपटे हुए थे, उनको दस रहे थे, उनकी छातियों से सांप लिपटे हुए थे। कुल तो मा बाल हाउला, तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि ये औरतें, इनका क्या जुर्म है, ये इनके सीनों से सांप क्यों लिपटे हुए हैं, इन्होंने क्या गलती की थी। काल हा उला यमनाना औलादहुन्ना अलबानहुन्ना, तो फरिश्तों ने बताया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाने से मना कर दिया था, यानी इनके बच्चे हुए और इन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, और उसकी सजा इस तौर पे दी जा रही है कि इनके सीनों से सांप लिपटे हैं जो इनको डस रहे हैं। ये इब्ने खुदैमा की रिवायत है, इब्ने हब्बान और इमाम हाकिम ने भी इसको रिवायत किया है और इमाम हाकिम ने इसको सही कहा है, मुस्लिम की शर्त पे कहा है, इमाम ज़हबी ने भी इसकी मुआफ़ की है इसमें इमाम हाकिम की, और शेख अल्बानी ने भी इसको सही करार दिया है, सहीहा हदीस नंबर 3951 में इसको वारिद किया है इमाम शेख अल्बानी रहमहुल्ला ने। तो एक तो कुरान की आयत जिसमें ये कहा गया है कि औरतें जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी, और दूसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, इन दोनों के पेश नज़र उलमा ने कहा है कि औरत के लिए वाजिब है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं, अगर नहीं पिलाएंगी तो गुनहगार होंगी, क्योंकि वाजिब का मतलब होता है जिसके करने पर, जिसका करना लाजिम हो, और यानी और फिर ये कि दूध पिलाना खुद अपने आप में एक सवाब का काम है, बच्चों को दूध पिलाना, और नहीं पिलाना गुनाह है क्योंकि वाजिब को तर्क करना गुनाह है। अलबत्ता क्योंकि दूसरी और भी बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं जिनकी रोशनी में उलमा ने कहा है कि अगर, यानी ये जो दूध पिलाना वाजिब है ये कब वाजिब है, ये उस वक्त वाजिब है जब
माँ के दूध के बगैर बच्चे को नुकसान हो रहा हो, और अगर बच्चा माँ का दूध ना पिए तो उसको नुकसान का अंदेशा हो। और वाजिब कब है? जब शौहर जो है वो उसने हुक्म दिया हो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाओ और फिर भी बीवी दूध ना पिलाए। यानी दो चीजें, पहला बच्चे को नुकसान होगा अगर माँ दूध नहीं पिलाएगी, और दूसरा शौहर ने भी हुक्म दिया कि मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। अलबत्ता अगर ये दो चीजें ना पाई जाती हूँ, मसलन ये कि बच्चे को अगर औरत दूध ना पिलाए, बाहर का दूध पिलवा दे, मसनूई दूध पिला दे, या कोई दूसरी औरत उसको दूध पिला दे, और शौहर ने भी इसकी इजाजत दी हो, अगर ये दो चीजें पाई जाए तो औरत के लिए इजाजत है कि वो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाए। जैसा कि अरबों में ये मामूल था कि वो बाज मरतबा बच्चे को दूध पीने की उम्र में जो देहाती इलाके होते थे वहां पर भेज देती थी, और उनको आया माएँ होती जो उनकी, वो उनको दूध पिलाती थी जो उनकी रजाई माएँ होती थी। और बच्चों की, क्योंकि अरब के लोग ये चाहते थे कि बच्चों की परवरिश और तरबियत अरब के देहाती माहौल में हो, ताकि वो वहां से उनकी जबान सीख सकें और जो है अरबों का कल्चर सीख सकें। तो जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बचपने में हलीमा सादिया के साथ भेज दिया गया था, और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। तो दो शर्तें हैं, ये दो शर्तें अगर पाई जाएं तो औरत के लिए इजाजत है कि वो अपने बच्चे का दूध छुड़ा करके, यानी इनको दूध ना पिलाएं। पहली शर्त क्या है कि अगर बच्चे को नुकसान ना होता हो, यानी अगर ऐसा है कि बच्चा माँ के अलावा किसी और का दूध नहीं पिएगा, या माँ का दूध नहीं पिएगा तो उसको कोई नुकसान होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में माँ के लिए हलाल नहीं कि बच्चे को दूध ना पिलाए। अलबत्ता अगर ऐसा कोई अंदेशा नहीं है और शौहर भी इस बात की इजाजत दे रहा है कि बाहर का दूध पिला दे, किसी जानवर का दूध पिला दे, या फिर कि कोई दूसरी औरत उसको दूध पिला दे, तो अगर ये दो चीजें पाई जाए तो औरत के लिए हलाल है कि वो दो शर्तों के साथ जायज है कि वो बाहर का दूध पिला सकती। बाहर का दूध यानी चाहे वो मसनूई दूध हो, चाहे किसी जानवर का दूध हो, या किसी दूसरी औरत का दूध। तो बहरहाल वलवालिदातो युरज़ेना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी, और माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी मुकम्मल दो साल। लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ, जो और जो इस, ये किसके लिए है? उस शख्स के लिए है जो ये चाहता है कि रिजात मुकम्मल हो, यानी जो दूध की पिलाने की असल मुद्दत है वो कितनी है? दो साल है। तो जो मुकम्मल मुद्दत तक के दूध पिलवाना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसका बच्चा मुकम्मल दूध पिए, तो उसकी कुल मुद्दत कितनी है? दो साल है। तो यहां से ये बात भी पता चली कि यानी असलन तो ये है कि बच्चे को जो है ना माँ बाप अपने मशवरे से आपस में एक दूसरे से और बच्चे की हालत देखते हुए, कंडीशन देखते हुए कभी भी दूध छुड़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जिस पर बाप माँ को मजबूर कर सकता है कि वो दूध पिलाए वो दो साल की मुद्दत है। अच्छा, दो साल की मुद्दत के हवाले से एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि दो साल की मुद्दत जो बयान की गई है वो कम से कम मुद्दत है। यानी अगर दोनों ये, अगर बाप ये चाह रहा है कि मुकम्मल मुद्दत तक मेरा बच्चा दूध पिए, तो वो दो साल की मुद्दत है। अलबत्ता अगर दो साल की मुद्दत से ज्यादा भी बच्चा दूध पी लेता है तो दूध पीना हराम नहीं है। बाज एक लोगों से मैंने सुना कि वो कहते हैं दो साल से ज्यादा दूध नहीं पिला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है। जो कुरान की आयत में जो बात कही गई है वो ये है कि कम से कम मुद्दत दो साल है। यानी अगर आप रिजात की मुद्दत की तकमील करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मुकम्मल मुद्दत रिजात तक दूध पिए, तो वो दो साल की मुद्दत है, ये मिनिमम मुद्दत बताई गई है। बाकी ये कि अगर बच्चे को कोई आप जरूरत महसूस करते हैं, या बच्चा अभी फौरी तौर पे दूध छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर दो साल से जायद का अरसा भी दूध पिलाने में गुजर जाए तो इस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है इस पर। देखिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की इबारत है मजमूल फतावा की, वो कहते हैं कौलुहु तआला हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअ, कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो कामिल साल तक के दूध पिलाए वो औरत, जो वो शख्स जो रिजात की मुद्दत को मुकम्मल करना चाहता है। यदुल्लु, ये आयत दलालत करती है अल्लाह अन्नहादा तमाम रज़ा, कि ये जो मुद्दत है दो साल की ये रिजात के मुकम्मल करने की मुद्दत है। वमा बादु ज़ालिका फहुवा ग़िज़ाउन मिनल अग़्ज़िया, अगर ये उसके बाद भी दो साल तक के दूध पिलाती है तो ये ग़िज़ाओं में से ग़िज़ा है। जैसे बच्चा कुछ भी खा सकता है वैसे माँ का दूध भी पी सकता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जैसे बच्चे को कुछ भी खिलाना है, बाद मरतबा बच्चे दो साल में दूध नहीं छोड़ते हैं, बाद मरतबा उनकी आदत होती है, तो अगर दो साल की मुद्दत के बाद भी वो दूध पिला दे तो ये आम ग़िज़ाओं की तरह ग़िज़ा है। बाकी असल जो रज़ाअत है वो दो साल की है। इसी तरह इमाम क़ुरतुबी ने भी ये बात फरमाई है वज़ियादतु अलल हौलैनी
والنقصان انما يكون عند عدم الاضرار بالمولود وعند رضا الوالدين, कि दो साल से ज्यादा मुद्दत तक दूध पिलाना हो या दो साल से कम मुद्दत में दूध छोड़वाना हो, दोनों बातें इन्नमा यकूनु इंदा अदमिल इज़रार बिल मौलूद, इसका ताल्लुक इससे है कि बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, वह इंदा रिजल वालिदैन और वालिदैन इससे राजी हो, यानी अगर बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है और माँ बाप दोनों राजी हैं तो दो साल की मुद्दत से कम में भी दूध छुड़ाया जा सकता है या दो साल की मुद्दत से ज्यादा भी दूध पिलाया जा सकता है, इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज की बात नहीं। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि दो साल तक के दूध पिलाए, इसका ये मतलब नहीं है कि दो साल से ज्यादा दूध नहीं पिला सकते, इसका मतलब ये है कि जो आखिर मुद्दत है, कम से कम मुद्दत है, वो दो साल की मुद्दत है। अब इसमें बात मरतबा क्योंकि डिस्प्यूट भी हो सकता है कि औरत ने तलाक ले ली है, अब उसका बच्चा दूध पीने वाला भी है, अब शौहर चाह रहा है कि मेरे बच्चे को दूध पिलाए, औरत कह रही है मैं नहीं पिलाऊंगी, तो ऐसी डिस्प्यूट की शक्ल में शौहर तलाक के बाद बीवी को कितनी मुद्दत तक के लिए मजबूर कर सकता है और कि वो दूध पिलाए, तो वो दो साल की मुद्दत है। दो साल की मुद्दत के बाद शौहर मुतालबा नहीं कर सकता बीवी को कि वो दूध पिलाए। ऐसे ही मामला हो सकता है इसके बरक्स भी कि औरत जो है उसको तलाक हो गया है, अब वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाह रही और शौहर उसके लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में शौहर मना नहीं कर सकता है। कब तक मना नहीं कर सकता है? दो साल की मुद्दत तक वो मना नहीं कर सकता है। दो साल तक वो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, दो साल के बाद उसको मना करने की का इख्तियार मिल जाएगा। तो कोई डिस्प्यूट की सूरत में जो मिनिमम मुद्दत है जिसमें ना शौहर अपनी बीवी को रोक सकता है ना बीवी इनकार कर सकती दूध पिलाने की, वो दो साल की मुद्दत है। दो साल तमाम रिजात है, उसके बाद जो है ना शौहर मना भी कर सकता है अगर उसको दूध नहीं पिलवाना है अपने बच्चे को, और औरत भी मना कर सकती है अगर उसको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो ये दो साल की मुद्दत बहुत अहम है और ये कुरान की सरी तरीन आयत है, इसलिए इसके मुकाबले में जो बास फोखा के यहाँ पे बात पाई जाती है कि वो मुद्दत रिजात ढाई साल करार देते हैं, उनका यह कौल दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आहनाफ के यहाँ मुद्दत रिजात दो साल नहीं है, ढाई साल है, और वो दलील देते हैं कुरान मजीद की एक आयत से जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वह हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, कि औरत के हमल और फिसाल यानी दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वह हमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा। एक मिनट में वो आयत यहाँ पर पेश कर देता हूँ क्योंकि हाँ, तो इस मामले में जुम्हूर उलमा का मौकिफ यही है और सही मौकिफ यही है कि बच्चे की जो रिजात की मुद्दत है वो दो साल है, लेकिन बाज फुखा ने कहा है कि बच्चे की रिजात की मुद्दत ढाई साल है, और उनकी दलील है सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 और इसी तरह से सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 15। ये दो आयतें हैं, इन दोनों आयतों में एक बात जिक्र हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, हाँ ये सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसैना अल इंसाना बिवालिदैही एहसाना, हमने इंसान से को वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, क्योंकि उसकी माँ ने तकलीफ झेल करके उसको पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसको पैदा किया जना, और उसके हमल और दूध पिलाने दूध छुड़ाने का जमाना 30 महीने का है। अब इस आयत से इस्तेदलाल करते हुए, ये सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 है, हमने इंसान से वसैना अल इंसाना बिवालिदैही एहसाना, हमने इंसान को वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, हमलत हु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ ने बड़ी तकलीफ से उसको पैदा किया, पेट में रखा, वबदात हु कुरहा, और बहुत तकलीफ से उसको जना, वहमलुहू व फिसालुहू सलासून शहरा, और उसके हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत है 30 महीने। तो 30 महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं दो साल 6 महीना, यानी 24 महीने दो साल के, बाकी बचे 6 महीने तो उसके लिए आधा साल और। तो इस आयत से इस्तदलाल करते हुए बाज़ फुक़हा ने, जिसमें इमाम हनीफा भी शामिल है, ये कहा है कि जो मुद्दत है रिजात की वो दो साल के बजाय ढाई साल है। हालांकि आयत पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आयत में सिर्फ दूध छुड़ाने की मुद्दत नहीं बयान हुई है बल्कि हमल और दूध छुड़ाना दोनों की मुद्दत बयान हुई है इस आयत में, और ये दोनों आयतों में कोई तारुज नहीं है। यहाँ पर कहा गया औरत
जो माए हैं वो 2 साल तक के दूध पिलाएं। और यहाँ पर कहा गया है कि दूध पिला छोड़ाने की मुद्दत 30 महीना है। तो बाज लोगों को बज़ाहिर ये लग सकता है कि एक आयत में तो अल्लाह ने कहा कि 30 महीना मुद्दत है और एक आयत में कहा कि 2 साल मुद्दत है जो कि 24 महीने बनते हैं, तो दोनों में आपस में किसी तरह का तारुज नहीं है। क्योंकि इस आयत में यानी पहली आयत सूरह बकरा की जो हम आयत पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ रिजात की मुद्दत बयान हुई है कि रिजात की मुद्दत 2 साल है, जबकि जहां 30 महीने की मुद्दत बयान की गई है वहां सिर्फ रिजात का जिक्र नहीं है, वहां हमल का भी जिक्र है। वह हमलहु व फिसालहु 30 शहरा की औरत के हमल की और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत है 30 महीना। तो 30 महीने में से 24 महीने जो है वो दूध पिलाने की मुद्दत है और 6 महीना हमल की मुद्दत है। इसलिए उलमा ने कहा है कि हमल की अकल्ले मुद्दत, सबसे कम तरीन मुद्दत जो हमल की है वो 6 महीने है, यानी 6 महीने में औरत को बच्चा हो सकता है। हजरत अली के बारे में गालिबन आता है कि उनके सामने एक ऐसा मसला पेश आया कि 6 महीने में किसी औरत को शादी के बाद विलादत हो गई और लोगों ने उस पर जिना का इल्जाम लगाया या उन किसी खलीफा के जमाने में उस पर रजम की सजा नाफिज की गई, तो उन्होंने रोक दिया ये कह करके कि 6 महीने की जो मुद्दत है वो मुद्दत एक जेन्युइन हमल की है, तो ऐसी औरत पर जिना का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा जिसकी शादी के 6 महीने बाद औलाद हो गई हो। और उन्होंने इस्तेदलाल इसी आयत से किया कि देखिए इस आयत के अंदर 30 महीना हमल और दूध छुड़ाना दोनों की मुद्दत बयान की गई। अब दूध छुड़ाने की मुद्दत दूसरी आयत के अंदर क्योंकि 24 महीने की है, तो 24 महीने को अगर निकाल दिया जाए यानी 2 साल को अगर निकाल दिया जाए तो हमल की जो मुद्दत बनती है वो 6 महीने बचती है। तो लिहाजा अगर 6 महीने में किसी औरत को औलाद हो जाए तो वो उसकी जेन्युइन औलाद मानी जाएगी, उस पर ज़िना की तोहमत नहीं लगाई जाएगी। तो बहरहाल इस आयत से जिन लोगों ने ये इस्तेदलाल किया कि हमल की मुद्दत 2.5 साल है, उनका इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमल सिर्फ दूध छुड़ाने की मुद्दत बयान नहीं हो रही है बल्कि दूध छुड़ाने के साथ साथ हमल की मुद्दत मिला करके उन 2 सालों में 6 महीने और मिला करके 30 महीने बयान की गई है। वाज़े है। एक बात और समझना चाहिए कि हौलैन कामिलैन जब कहा गया तो हौलैन कामिलैन का मतलब है हिजरी 2 साल, यानी जो हिजरत के 2 साल होते हैं ना उन 2 सालों में, क्योंकि हम बहुत सारे मामलात में जब महीना या साल कहा जाता है तो हमारे जहन में ईसवी साल होते हैं और ईसवी साल और हिजरी साल में बुनियादी तौर पे कुछ दिनों का फर्क होता है, तकरीबन 10 दिनों का, एक दिन में एक साल में 10 दिनों का फर्क होता है तो 2 साल में 20 दिनों का फर्क हो जाएगा। तो ये जो हौलैन कामिलैन कहा गया है, यहाँ हौलैन कामिलैन से मुराद हिजरी 2 साल है ना कि ईसवी 2 साल। वाजे है। तो बहरहाल तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमको पता चली। पहली बात ये पता चली कि मुद्दत रिजात कितनी है, 2 साल की मुद्दत है। जो लोग कहते हैं 2.5 साल की मुद्दत है और सूरह आकाफ या सूरह लुकमान की उस आयत से इस्तेदलाल करते हैं, उनका इस्तेदलाल गलत है कि उसमें सिर्फ दूध छुड़ाने की मुद्दत बयान नहीं हुई बल्कि दूध छुड़ाने के साथ साथ हमल की मुद्दत भी बयान हुई है। और 2 साल की जो मुद्दत है वो मिनिमम मुद्दत बयान की गई है, 2 साल से ज्यादा भी अगर दूध पिला दे तो वो गुनहगार नहीं होगी। अलबत्त अगर कोई डिस्प्यूट होता है शोहर और बीवी के दरमियान में तो कम से कम कितना दिन है जिसको दूध पिलाना है, तो 2 साल की मुद्दत है जिसमें दूध पिलाना है। दूध पिलाना औरत पर वाजिब है, नहीं पिलाएगी तो गुनहगार होगी इस सूरत में कि बच्चे को दूध पिलाने से दूध ना पिलाने से नुकसान हो रहा हो। लेकिन अगर बच्चे को दूध ना पिलाने से कोई नुकसान ना हो और शोहर भी इजाजत दे दे तो इन दो शर्तों के साथ औरत जो है वो अपने बच्चे को बाहर का दूध पिला सकती है। यहाँ दूध पिलाने के हवाले से जो 2 साल की मुद्दत है उससे एक और मसला जुड़ा हुआ है कि इस 2 साल की मुद्दत रिजात ही में अगर औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी रजाई माँ बनेगी। इन 2 सालों ही की मुद्दत में अगर औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसकी रजाई माँ करार पाएगी। अब देखिए रजात का ये मसला बहुत अहम है कि जो औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए और 2.5 साल के अरसे में दूध पिला दे, यानी 2 साल के अरसे में दूध पिला दे, कितनी बार दूध पिलाए, कम से कम 5 मरतबा दूध पिलाए। 5 मरतबा का मतलब ये होता है कि एक मरतबा बच्चे को भूख लगी और औरत ने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाना शुरू किया और बच्चे का दूध पेट भर गया दूध से और उसने छोड़ दिया, तो ये हो गया एक रजा। ऐसा अगर 5 मरतबा कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दे, कब, मुद्दत रजात में, यानी 2 साल की मुद्दत में, अब वो बच्चा इस औरत का रजाई बेटा बन जाएगा। ये माँ उस और बच्चे की
रजाई माँ बन जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान रिश्तों की हुर्मत वैसे ही साबित हो जाएगी जैसा नसब से रिश्ते की हुर्मत साबित होती है। फिर से समझे कि अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को 2 साल की मुद्दत में, बच्चा अभी फिर भी 2 साल याद रखें आप, इसलिए मैंने कहा ना कि ये साल याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो हिजरी साल होता है ना इसमें 20 साल कम होते हैं, इसकी बुनियाद पर रिजात साबित होती है, इसलिए बहुत अहम है कि आप याद रखें कि बच्चे की हिजरी साल के एतबार से उम्र कितनी है। तो बहरहाल अगर कोई औरत किसी बच्चे को 2 साल की जो मुद्दत रिजात है उस दरमियान में अगर 5 बार दूध पिला दे तो उसकी रिजाई माँ बन जाती है। और 5 बार का मतलब 5 घूट नहीं होता, 5 बार का मतलब होता है कि औरत को, आज बच्चे को एक बार भूख लगी और उस औरत ने दूध पिलाना शुरू किया, बच्चे ने पेट भर के दूध पी लिया और छोड़ दिया, तो ये 1 बार दूध पिलाना है। 1 बार दूध पिलाने से रिश्ता आराम नहीं होगा, 2 बार पिलाने से आराम नहीं होगा, 3 मरतबा 4 मरतबा पिलाने से भी आराम नहीं होगा, लेकिन अगर 5 मरतबा 2 साल के बीच में इसी तरह से किसी औरत ने उससे बच्चे को दूध पिला दिया तो वो बच्चा उसका रिजाई बच्चा बन जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और दोनों के दरमियान रिश्ता हराम हो जाएगा। सिर्फ माँ बाप के, सिर्फ उस बेटे और माँ के दरमियान नहीं बल्कि उसके सारे रिश्तों के दरमियान हराम हो जाएगा। रिजाई माँ बन जाएगी वो उसकी, और जो उसकी बहनें हैं वो रिजाई बहनें बन जाएंगी उसकी, यानी इस औरत की बेटियां उस बच्चे की रिजाई बहनें बन जाएंगी। ना वो इस औरत से शादी कर सकता है, ना इसकी बेटियों से शादी कर सकता है, ना इसकी बहन से शादी कर सकता है, क्योंकि इसकी बहन, इस औरत की बहन जिसने दूध पिलाया है, इसकी रजाई खाला बन जाएगी। ना ही इस औरत की माँ से शादी कर सकता है क्योंकि वो रजाई नानी बन जाएगी। ना इस औरत की शौहर की बहनों से शादी कर सकता है क्योंकि इस औरत की शौहर की जो बहन है वो इसकी रजाई फूफी बन जाएंगी, इस औरत का शौहर जो है वो उसका रजाई बाप बन जाएगा। अल्लाह ने फरमाया रजाअत से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाएंगे जो नसब से हराम होते हैं। तो नसब से जितने रिश्ते हराम हैं, यानी माँ से निकाह नहीं कर सकता, इसी तरह से यानी माँ में उसकी रजाई माँ भी आ गई, रजाई नानी भी आ गई, रजाई दादी भी आ गई, ना ही खाला से निकाह कर सकता है, ना ही बहनों से निकाह कर सकता है, ना ही पोपी से निकाह कर सकता है। तो जितने भी रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो सारे के सारे रिश्ते रजात की वजह से भी हराम हो जाएंगे। तो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब औरत ने मुद्दते रिजात में दूध पिलाया हो। अगर मुद्दते रिजात के बाहर दूध पिलाए तो सही कौल के मुताबिक आम तौर पे औरत का रिजात साबित नहीं होगी। यानी अगर औरत ने दूध पिलाया है 2 साल के बाद तो इससे रिजात साबित नहीं होगी, क्योंकि 2 साल का जिक्र यहाँ पर आया है। अल्लाह की बहुत सारी हदीसें इस बारे में है, जैसे अल्लाह के नबी की हदीस है इब्ने मसूद, उसकी रावी है अबू दाऊद में, वो रिवायत है ला रिजा इल्ला मा अनशनजल अस व अंबतल्लाम, कि रिजात नहीं होती मगर उससे जिससे हड्डियां बने और जिससे गोश्त बने, यानी जो 2 साल का अरसा होता है, ये बच्चे के ग्रो करने का अरसा होता है, तो इस दरमियान में अगर दूध पिलाएंगे तो दूध माना जाएगा रिजात, इससे रिजात का रिश्ता साबित होगा और वो बच्चे की हुरमत साबित होगी 2 साल के बाद की। और इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मसलन एक हदीस में है कि रिजात वो है जो भूख से हो, यानी बच्चा जब भूखा होता है और उसको भूख की वजह से दूध की तलब होती है, जब बहुत दूध पिलाएगी तब जाकर के रिजात साबित होगी। और 2 साल के बाद के अरसे में अगर औरत दूध पिलाए तो वो मुअस्सिर नहीं होगी। इस बारे में बेशतर सहाबा का यही मौकिफ रहा है कि 2 साल के बाद के अरसे में अगर औरत दूध पिला दे तो वो रिजात साबित नहीं होगी, किसी को भी दूध पिला दे। इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं, मसलन इब्ने मसूद ही से एक रिवायत मरवी है, मुसन्नफ इब्न रज़ाक वगैरह में भी ये रिवायत है, मुसन्नफ इब्न रज़ाक में रिवायत है, कहते हैं कि जा अरजुल इला इब्न मसूद फकाल इन्हा कानत मा इमराती फहुसिरा लबनुहा फी सदिहा फजअल्तु अमुस्सुहा थुम्म अमुज्जुहु फअतैतु अबा मूसा फसअल्तुहु फकाल हुर्रिमत अलैकुम। कहते हैं इब्न मसूद के पास एक आदमी आया और कहा कि मेरी औरत थी, फौसीरा लबनुहा, उसको दूध नहीं हो रहा था बच्चे को पिलाने की वजह से, तो मैंने फजाल तो अमुस्सुहा, तो मैंने उसको चूसना शुरू किया ताकि वो दूध जो है वो उसको होने लगे और मेरा बच्चा दूध पी ले, यहाँ तक कि मैंने उसको निगल लिया, दूध हुआ और मैंने उसको निगल लिया। और मैंने आकर के अबू मूसा से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो औरत तुम पर हराम हो गई है। कला फकामा वकुमना माऊ हत्ता इंतहा इला अबी मूसा, तो फकाला मा अफ्तैता बिहादा फ अखबर हु बिल्लदी अफ्ताहु फकाल इब्न मसूद व अखज़ा बियद रजुल
रजियन तरहाजा इनम रजा माम बतल्लाहम वद्दम। तो अबू मूसा के पास गए हजरत इब्ने मसूद और कहा कि तुमको ये दिखता है कि ये बंदा जो है वो दूध पीने वाला बच्चा है। कहा कि दूध रजा उससे साबित होगा जिससे गोश्त हो जाए और जो जिससे खून बने। फकाल अबू मूसा ला तसअलूनी अन शयइन मा कान हादल खबरु बैन अधूरिकुम मा कान हादल खबरु बैन अधूरिकुम। तो हज़रत अबू मूसा ने कहा जब तक कि ये आलिम दीन यानी इब्ने मसूद को कहा जब तक ये आलिम दीन तुम्हारे बीच में है मुझसे कोई सवाल नहीं करना। तो अब हज़रत अबू मूसा अशरी ने उस आदमी से कहा कि इन इब्ने मसूद के होते हुए तुमको मुझसे सवाल करने की जरूरत क्या थी। तो इससे भी पता चला इब्ने मसूद ने यही बात कही है। इसके अलावा इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में एक रिवायत लाए अब्दुल्लाह इब्ने दीनार से, वो कहते हैं कि एक आदमी अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास आया और मैं दारुल कज़ा में उनके साथ था। तो उन्होंने पूछा बड़े आदमी को दूध पिलाने के बारे में। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कि हजरत उमर इब्न खत्ताब के पास एक आदमी आया और उसने कहा इन्ना ली वलीदतन व कुंतु अताउहा फअमदत इमराती इलैहा फअरज़अतहा। क्योंकि मेरी एक लौंडी थी मैं उससे बिस्तरी करता था, तो मेरी बीवी ने यह चाहा कि मैं उस लौंडी को छोड़ दूं, तो मेरी बीवी ने उस लौंडी को दूध पिला दिया। और जब मैं उसके पास दाखिल हुआ तो उस औरत ने कहा कि इस बच्ची से दूर हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारी बेटी बन चुकी है, मैंने इसको दूध पिला दिया है। और फैज़ उमर ने आकर के उस आदमी ने शिकायत की कि मेरी बीवी ने मेरी लौंडी को दूध पिला दिया ताकि मैं उससे गुर्बत ना कर सकूं। तो फैज़ उमर ने फरमाया अपनी बीवी को जाकर के सजा दो और अपनी अपनी लौंडी के पास आओ क्योंकि रिजात में बच्चे की रिजात काबिल कबूल है, यानी छोटा बच्चा है। फइन्नमा रिजा रिजा अतुस्सगीर, क्योंकि दूध पिलाना वो है जो बच्चे को दूध पिलाया जाए। तो अगर कोई बड़े इंसान को दूध पिला दे तो बड़े इंसान दूध पी ले तो उससे उसकी रिजात साबित नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी रिवायतें इस बारे में है जिसमें ये पता चलता है कि बड़े अगर दो साल के बाद के अरसे में किसी बच्चे ने किसी औरत को दूध पी लिया हो तो उससे उसके रिजात की हुरमत साबित नहीं होगी। अलबत्ता साहबा में इस बारे में इख्तिलाफ था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो इस बात की कायल थी कि अगर बड़े आदमी को भी दूध पिला दिया जाए तो रिजात साबित हो जाएगी। और उनकी दलील वो थी जिसमें सालिम जो अबू हुज़ैफा के गुलाम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी थी कि उनकी बीवी उनको दूध पिला दे और उनके दरमियान रिश्ता रिजात का कायम हो जाए ताकि वो घर में आ जा सकें, क्योंकि सालिम जो है वो उन्हीं के घर में पड़े पड़े थे। तो उस हदीस से इस्तेदाल करते हुए हज़रत आयशा ये मानती थी कि अगर बड़ा आदमी भी किसी औरत का दूध पी ले तो भी रिजात साबित हो जाएगी। इमाम तैमिया रहमतुल्लाह ने उस हदीस का जवाब ये दिया है कि वो एक मखसूस हालत की हदीस थी, तो मखसूस हालात अगर वैसे ही किसी के पास पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में अगर दूध पिला दे तो अबू सालिम जो सालिम के साथ मसला था अगर वही मसला किसी और के साथ और वो दूध पिला दे तब तो रिजात कबीर मानी जाएगी, वरना उसूली बात अपनी जगह पर यही रहेगी कि दो साल के बाद किसी बच्चे को दूध पिलाने से रिजात साबित नहीं होगी। तो बहरहाल ये एक मसला है जो रिजात कबीर के हवाले से फिक्र में इस पर लंबी बहसें पाई जाती है, मैंने एक मुख्तसरन इजमाली रोशनी इस पर डाल दी है। वल वालिदात युरज़ैना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, माएं अपने बच्चों को दो साल मुकम्मल दूध पिलाएंगी, लिमन अरादा अन यतिम्मा अर्रज़ाअ, उसके लिए जो रिजात की मुद्दत पूरी करना चाहता हूँ। व अलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और जिस मर्द का वो बच्चा है, वह अलल मौलूदि लहू जिसके लिए बच्चा पैदा हुआ है, यानी बच्चा असल में आदमी का है और उस बच्चे की जो भी माली किफालत और जिम्मेदारियां हैं वो उस बाप के जिम्मे हैं। तो जिस आदमी का वो बच्चा है यानी बाप, उसकी जिम्मेदारी है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ की मारूफ तरीके से वो उस औरत के खाने का और कपड़े का इंतजाम करे। जिस मर्द का वो बच्चा है वालल मौलूदी लहू, जिस आदमी का वो बच्चा है उस पर वाजिब है, आला वजूब के लिए आता है। जैसा कि मैंने बताया अम्र के बहुत सारे सिगे होते हैं, उसमें से एक सिगा आला भी है कि अलल मौलूदी लहू यानी वाजिबुन अलल मौलूदी लहू, जिसका बच्चा है उस पर वाजिब है रिज़्क़ुहुन्ना, उस बच्चे की माँ के रिज़्क का इंतजाम करना, वकिस्वतुहुन्ना और उसके कपड़े का इंतजाम करना बिल मारूफी मारूफ तरीके से। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो जो औरत है जिसका बच्चा है वो तो इस आदमी की बीवी ही लगती है ना, तो बीवी के खाने और कपड़े का इंतजाम करना वैसे भी शौहर की जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला ने ये अलग से क्यों कहा, वो तो वैसे भी बीवी है और बीवी के खाने और कपड़े का इंतजाम करना शौहर ही के जिम्मे है, तो ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ गई कि उस औरत के खाने और कपड़े का इंतजाम करना बाप की जिम्मेदारी है। कोई जवाब देगा आप में से कि क्यों कहा जा रहा है, भाई वो तो बीवी है ना, जिसका बच्चा पैदा हुआ है वो तो बीवी है, तो बीवी का कपड़े और खाने का इंतजाम तो वैसे भी शौहर करेगा, तो अलग से ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ गई कि जिसका बच्चा है उसकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की माँ के खाने और कपड़े का इंतजाम करे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब है। एक बहन ने जवाब दिया है कि तलाक के बाद। देखिए, अगर तलाक नहीं हुई है और मियाँ बीवी आपस में निकाह के अंदर हैं, उस वक्त तो उस औरत के खाने और कपड़े का इंतजाम करना इस हैसियत से जरूरी है कि उसकी बीवी भी है और उसके बच्चे की माँ भी है। दो वजूहात हैं, यानी अगर औरत निकाह में हो और उसको बच्चा हुआ है 2 साल के अरसे तक के, उसके खाने पीने का इंतजाम करने के दो असबाब होंगे। बीवी इस वजह से भी करना पड़ेगा और बच्चे को दूध पिला रही इस वजह से भी करना पड़ेगा, डबल सबब है उसका। लेकिन अगर तलाक हो गया, मान लीजिए, अब मान लीजिए हमल की हालत में औरत को शौहर ने तलाक दे दिया, तो दौरान इद्दत तो उसकी बीवी है, तो उस दरमियान में तो वो बीवी होने की हैसियत से उसको जो है खाने पीने का उसके, और रहन सहन का, और उसके कपड़े का इंतजाम करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होगा, अभी इसकी बीवी नहीं रह जाएगी, वजह हमल जो है ना उसके साथ ही इद्दत खत्म हो जाएगी। अगर वजह हमल से पहले उसने रुजू नहीं किया तो डिलीवरी के बाद वो उसकी बीवी नहीं रह गई। पर अभी भी दो चीजों का इंतजाम करना शोहर के जिम्मे है। कौन सी चीजों का? रिस्क होना, उसके खाने का इंतजाम करना, वकीस्वत होना, उसके कपड़े का इंतजाम करना। एक सबब खत्म हो गया, जो निकाह सबब था वो तो खत्म हो गया इन दोनों के दरमियान में, पर क्योंकि दो सबब की वजह से खाने और कपड़े का इंतजाम करना था, तो एक सबब खत्म होने के बावजूद एक सबब बाकी रह गया। और वो सबब क्या है कि गरचे वो उसकी बीवी नहीं रह गई, पर उसके बच्चे की माँ जरूर है और वो उसको दूध पिला रही है। तो दूध पिलाने वाली औरत अगर निकाह से निकल भी गई है तो भी उसकी रिस्क का और उसके कपड़े का इंतजाम करना वाजिब है। अच्छा, दूसरी बात इस आयत के अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने ताम नहीं कहा बल्कि रिज्क कहा है। ताम कहते हैं खाने को, तो और रिज्क कहते हैं और मतलब न्यूट्रिशन को, जो भी औरत जो है कंज्यूम करती है, औरत जो भी खाती है। यानी ताम तो दो टाइम का खाना आप दे दें तो भी ताम हो जाता है, पर रिज्क का मतलब ये कि हर वो चीज जो वो कंज्यूम कर रही है, खा रही है, पी रही है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उसकी सारे जो उसका डाइट है ना, उसका बंदोबस्त करना शौहर की जिम्मेदारी है। यानी सिर्फ दो टाइम के खाने का खर्चा दे करके वो, क्योंकि बाज मरतबा औरत को दूध पीने के लिए, पिलाने के लिए बच्चे को बहुत कुछ खाना पड़ता है, बाज मरतबा दवाइयां लेनी पड़ती हैं, बाज मरतबा क्योंकि खुद उसके जिस्म से कैल्शियम खत्म हो रहा है तो जो सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के वो लेने पड़ते हैं, और एक्स्ट्रा जो है वो दूध पीना पड़ता है उसको खुद, तो वो जो कुछ भी खाएगी दूध पिलाने के लिए। इसलिए कुरान की ताबीर बहुत बारीक है। कुरान मजीद ने ताम का इंतजाम करने का हुक्म नहीं दिया कि सिर्फ अनाज का बंदोबस्त आप कर दोगे दो टाइम का, हर वो चीज जो वो खाएगी बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वो सब का बंदोबस्त करना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा आपका है, बच्चा आपका है। इसलिए मौलूद लहू कहा, जिसके लिए पैदा किया गया है, मतलब असल तो बच्चा बाप का है, और उसकी किफालत और उसकी सारी माशी माली जिम्मेदारियां उठाना बाप के जिम्मे है। तो वो औरत जो दूध पिला रही है उसके रिस्क का यानी पूरी डाइट का इंतजाम करना शौहर के जिम्मे, ना सिर्फ खाना बल्कि खाने के अलावा भी जो कुछ वो खा रही है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वो पूरा शौहर फराहम करेगा, चाहे वो सामान की सूरत में फराहम करे, चाहे वो उसका पैसा दे बीवी को कि बीवी अपने पैसों से खरीद के खा ले, बहरहाल उसके रिस्क का भी इंतजाम करेगा। वकिस्वतुहुन्ना, और कपड़े का भी इंतजाम, उसके पहनावे का भी इंतजाम जो है वो शौहर करेगा। कपड़े की बात खास तौर पर इसलिए कही क्योंकि औरतें बाज मरतबा डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत में उसको एक्स्ट्रा कपड़ों का की जरूरत होती है, बच्चे कपड़े नापाक कर देते हैं दूध पिलाने के लिए, अलग तरह के कपड़े औरतें पहनती हैं, तो वो जो कपड़े वो पहनेगी उन कपड़ों का भी इस मुद्दत में इंतजाम करना किसकी जिम्मेदारी है? शौहर की जिम्मेदारी है। बिल मारूफी, मारूफ तरीके से। अब ये सवाल पैदा होता है ना भाई, ये कितना दे, खाने के लिए कितना दे, कपड़े के लिए कितना दे? इसमें कह दिया गया मारूफ तरीके से। मारूफ में दो चीजें आती हैं, एक तो शरई एतबार से मारूफ यानी शरीयत ने जो चीजें बताई हैं वो होनी चाहिए, दूसरा समाज के एतबार से, जिसको हम कहते हैं उर्फ, कि उर्फ आदाब के एतबार से जितना चलता है। अब उर्फ क्या है? वो क्लास और जमाने के एतबार से बदलता रहता है, जमान मकान और क्लास के एतबार से उर्फ बदलता रहता है। भाई कोई बहुत अमीर घराने के लोग हों तो जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा एहतमाम किया जाता है, और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके यहाँ उतना एहतमाम नहीं होता जितना अपर क्लास में होता है। तो अपनी क्लास के एतबार से बिल मारूफ यानी अपनी क्लास के एतबार से कितना औरत को क्या क्या खाना होता है, क्या क्या वो खाती है और कैसे वो कपड़े पहनती है। अब जो आला तबके की खवातीन होंगी अपर क्लास की, उनका उनका डाइट जाहिर सी बातें मुख्तलिफ होगा, जो लोअर क्लास होंगी उनका मुख्तलिफ होगा, जो मिडिल क्लास होंगी उनका मुख्तलिफ होगा। तो अपनी क्लास को देखते हुए, ये देखते हुए कि ऐसे जमाने में इस खानदान की औरतें और इस तबके की औरतें और इतना पैसा जो कमाता है आदमी और उसकी बीवियां,
कितना खाती है, क्या उनको खिलाया जाता है और कितना पहनती है, क्या पहनाया जाता है, इसमें उर्फ का लिहाज किया जाएगा। उर्फ शरीयत के अहकाम में एक बहुत बुनियादी चीज है जिसका बहुत एहतमाम किया जाता है। इससे पहले निकाह की मसाल में भी मैंने बताया कि उर्फ का बहुत लिहाज किया जाता है। ऐसे ही दूध पिलाने वाली औरतों को जो खर्चा दिया जाएगा, जो उनको खाने और कपड़े का इंतजाम किया जाएगा, तो उनकी क्लास देखी जाएगी कि इस क्लास की औरतों को नॉर्मली कितनी जरूरत पड़ती है खाने में और किस तरह के कपड़े की जरूरत पड़ती है, और उनकी क्लास के हिसाब से उनको दिया जाएगा। बिल मारूफ ही मारूफ तरीके से जो भी उनका डाइट का इंतजाम और कपड़े का इंतजाम शौहर करके देगा। वला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, और किसी भी इंसान, वला तुकल्लफु नफ्सुन, किसी भी जान को मुकल्लफ नहीं किया जाएगा सिवाय उस चीज के जो उसकी ताकत में हो। वुसअ का मतलब होता है ऐसी चीज जो इंसान बगैर किसी शरीर मशक्कत के कर सके। यानी वुसअ का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत मेहनत से कमा करके जितना वो फराहम कर सकता है उतना देना पड़ेगा, नहीं। वुसअ का मतलब होता है कि नॉर्मली एक इंसान अपनी नॉर्मल मेहनत से जो कमा सकता है उतना ही उसको पाबंद किया जाएगा। यानी शौहर इस मामले में असल चीज क्या देखी जाएगी कि शौहर कितना कमा करके बंदोबस्त कर सकता है, इस मामले में शौहर की माली हालत देखी जाएगी। हाँ, शौहर की माली हालत का मतलब ये होता है, जैसे अभी आगे इंशाअल्लाह ताला एक तरह इस आयत आएगी कि अल जो ताकतवर है, जो गनी है, वो तो गनी के एतबार से उससे मुतालबा किया जाएगा, और जो फकीर है, गरीब है, और उसकी गुर्बत के एतबार से उससे मुतालबा किया जाएगा। आदमी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। तो उमूमी बात है कि किसी भी आदमी को शरीयत के हकाम में ये बात रखी गई है कि किसी भी आदमी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता है, तख़फीफ कर दी जाती है। जब आदमी की ताकत से बाहर कोई चीज हो जाती है तो शरीयत उसमें तख़फीफ कर देती है, एक उमूमी उसूल है शरीयत का। और तो उस एतबार से भी कहा गया वला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी शख्स को तकलीफ नहीं दी जाती मगर वो चीज जो उसकी गुंजाइश में है, जो उसकी ताकत में नहीं। शरीयत के अहकाम जो है ना, वो ताकत से बाहर नहीं है बल्कि इंसान की ताकत के अंदर होते हैं। जहां ताकत से बाहर होते हैं वहां तख़फीफ हो जाती है। मतलब नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन जब नमाज खड़े होकर के पढ़ना ताकत से बाहर हो तो बैठने की इजाजत दे दी गई, बैठना भी ताकत से बाहर हो तो लेट करके नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई, सफर में मुशक्कत हो तो नमाज में तख़फीफ करके 2 रकात 4 की जगह कर दी गई है, और जहां पे बारिश वगैरह और यह खौफ का अंदेशा हो तो जमा करने की भी इजाजत दे दी गई है। रोजों में भी यही सूरत हाल है, हज में भी ये सूरत हाल है कि इस्तेताब के बाद ही वाजिब होता है। तो एक तो इस आयत को पस मंजर से हटा करके इतने अल्फाज को अगर उमूमी तौर पे देखे जाए तो एक शरीयत का उसूल बयान हो रहा है कि शरीयत में किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा कोई उस पर बोझ नहीं डाला जाता है, चाहे वो इबादत का मामला हो चाहे इस तरह के मामला, तो उसमें भी आदमी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। और खास इस पस मंजर में इस लफ्ज का माना देखें तो आदमी की कि जो साहिबे वुसअत है, जिसके पास फरावानी है माल की, तो उसका उसके हिसाब से उसको रिस्क देना पड़ेगा। और अलल मुक्तरी कदर, और अगर कोई आदमी गरीब है, बहुत नहीं कमाता, मान लीजिए वो रिक्शा चलाता है तो उसका 500 रुपया कमा रहा है, अब अगर उससे रोजाना कहा जाए कि भाई 1000 रुपया तुमको देना पड़ेगा तो उसकी ताकत से बाहर बोझ हो जाएगा। तो इसमें आदमी की अपनी वाली वसात भी देखी जाएगी कि एक आदमी कितना दे सकता है, उसकी माली वसात के एतबार से फैसला किया जाएगा। वला ला तुदार वालिदतुम भी वलदिहा वला मौलूदुन लहू भी वलदी, ना तो ला तुदार वालिदतुम भी वलदिहा, किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, ना माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाएगी, वला मौलूदुन लहू भी वलदी, ना मर्द को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ दी जाएगी। यानी इस सूरत में ना माँ को तकलीफ दी जाएगी ना औरत बाप को तकलीफ दी जाएगी। यानी ऐसा तकलीफ देने का क्या मतलब होता है भाई, माँ को तकलीफ देने की एक बात यह हो सकती है कि माँ जो है वो दूध पिलाना चाह रही है अपने बच्चे को और उसको रोक दिया गया है, ये जायज नहीं है। तलाक होने के बाद बच्चे को दूध पिलाना माँ का हक है, अगर ससुराल वाले बच्चे को लेकर के रख लें, दूध पिलाने ना दें, तो वो एक हराम का इर्तिकाब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया माँ को तकलीफ नहीं दी जाएगी उसके बच्चे की वजह से, दूध पिलाना माँ का हक है, माँ अगर दूध पिलाना चाह रही है पाप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम दूध नहीं पिला सकती है। 2 साल की मुद्दत, इसलिए मैंने कहा कि 2 साल की मुद्दत जो तय की गई है वो डिस्प्यूट में एक अहम तरीन फैसला है कि 2 साल की मुद्दत में अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाह रही है तो माँ को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो दूध ना पिलाए, माँ को तकलीफ नहीं दी जाएगी। माँ को तकलीफ देने की सूरत ये भी हो सकती है कि दूध तो वो पिला रही है और उसको कपड़े और खाने का उसका बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, उसके रिस्क और उसके कपड़े का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा, ये भी माँ को तकलीफ देना है कि ससुराल वालों को तो पता है इसको पैसा दें या ना दें, इसके रिस्क का और इसके कपड़े का इंतजाम करें या ना करें, ये बिचारी तो अपने बच्चे की मोहब्बत में मजबूर है तो ये तो दूध पिलाएगी ही,
तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसको उसके हक से महरूम कर दिया जाए जो कपड़े और खाने का हक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी उसके साथ ज्यादती होगी। तो ना माँ को तकलीफ पहुंचाई जाएगी, वला मौलूद उन लहू भी वलदी, ना मर्द मौलूद लहू मर्द को कहा जाता है जिसके लिए बच्चा पैदा किया गया है। इसलिए उलमा ने कहा कि बच्चा है तो इसलिए जो है ना वो मर्द का होता है क्योंकि मर्द ही उसकी किफालत करेगा। तो फरमाया जिसका बच्चा है यानी जो मर्द है उसको भी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी उसके बच्चे की वजह से, यानी बाप को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। बाप को तकलीफ पहुंचाने की क्या सूरत हो सकती है? एक सूरत ये हो सकती है कि बच्चा हो गया, अब माँ दूध पिलाने से मना कर रही है, बच्चा बाप बेचारा परेशान है कि मेरे बच्चे किसका दूध पिए। औरत के लिए ये हलाल नहीं है किसी भी सूरत में, चाहे तलाक हुई हो या ना हुई हो, कि वो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ करके मायके चले जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं जिसमें कोई डिस्प्यूट होता है, अब बीवी को ये बात पता है कि शौहर बेचारा अपने बच्चे की वजह से मजबूर है, तो अपने मुतालबात मनाने के लिए औरत दूध पीते बच्चे को छोड़ करके मायके चले जाती है। तलाक नहीं हुआ तब भी, मतलब तलाक नहीं हुआ तब तो औरत को वैसे ही शौहर की फरमाबरदारी करनी चाहिए, लेकिन अगर तलाक हो भी गया है तब भी औरत 2 साल की मुद्दत में बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं कर सकती अगर बाप ये चाह रहा है कि औरत दूध पिलाए। तो ये बाप को तकलीफ देना है कि बच्चा दूध पीने की मुद्दत में है और इसके बावजूद औरत अपनी जिद में बच्चे को दूध नहीं पिला रही, तो एक सूरत बाप को तकलीफ देने की ये हो सकती है। दूसरी सूरत बाप को तकलीफ देने की ये हो सकती है कि बाप बेचारा दूध पिलवाना चाह रहा है तो औरत इतना मुतालबा कर दे कि शौहर उसको अदा ना कर पाए, यानी उसको, क्योंकि उस शौहर के जिम्मे अल्लाह ने ये डाला है कि रिस्क और कपड़े का इंतजाम ये शौहर की जिम्मेदारी है, तो औरत इतना ज्यादा अपनी राइट के लिए या अपने कपड़ों के लिए इतना ज्यादा मुतालबा कर दे जो उसकी ताकत से बाहर हो, उसकी वसत से बाहर हो, तो ये भी जो है वो मर्द के साथ नाइंसाफी है और उसको तकलीफ पहुंचाना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना माँ को तकलीफ पहुंचाई जाएगी ना बाप को तकलीफ पहुंचाई जाएगी उसके बच्चे की वजह से। वाल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, और वारिस पर भी ऐसी ही जिम्मेदारियां लागू होंगी। यानी जो वारिस, मतलब कौन वारिस? वारिस का मतलब उस बच्चे का वारिस। मान लीजिए कोई सूरत ऐसी बन गई है जिसमें शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब शौहर का इंतकाल हो गया और औरत मान लीजिए हमल से थी, हमल से होने के बाद अब बच्चा पैदा हो गया है, तो इस बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी अब इसके वारिसीन के जिम्मे है, जो भी वारिस हो, अगर भाई उसके जिंदा है तो भाइयों के जिम्मे है, भाई नहीं जिंदा है तो, और जो है अगर दादा जिंदा है तो दादा के जिम्मे है, चाचाओं के जिम्मे है, तो इस औरत के रिस्क और कपड़े का इंतजाम फिर उसके वारिसीन करेंगे। अगर शौहर नहीं जिंदा है तो शौहर के जो वारिसीन होंगे, एक बच्चे के जो वारिसीन होंगे वो इस बच्चे के खाने और कपड़े का जो, यानी इस बच्चे की जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके खाने और उसके कपड़े का इंतजाम उसके वारिस करेंगे। वालल वारिसी मिस्लु दालिक, और वारिस पर इसके मिसल है, यानी अगर शौहर नहीं है तो जो बच्चे के वारिसीन है वो ये जरूरत पूरी करेंगे बच्चे की, यानी जो माँ उसको दूध पिला रही है उसके कपड़े और उसके खाने का इंतजाम करेंगे। फइन अरादा फिसालन अन तरादी मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा, फिर अगर ये दोनों इरादा करें, अरादा तस्निया का सेगा है, इसका मतलब ये है कि बाप ने और माँ ने दोनों इरादा किया है। फिसालन, फिसाल का मतलब होता है दूध छुड़ाना, अगर माँ और बाप दोनों ये तय कर लें कि दूध छुड़ाना है, अन तरावी मिनहुमा, दोनों एक दूसरे की रजामंदी से ये फैसला करें, वह तशावरीन और मशवरा करके फैसला करें, दो चीजें बताई गई और दोनों चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि दोनों राजी हो, दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं राजी है तो दूध नहीं छुड़ाया जा सकता, अंतरावी मिनहुमा, दोनों राजी होना चाहिए। मसलन औरत बोल रही है मुझे दूध नहीं पिलाना, पर बाप कह रहा है पिलाना पड़ेगा, तो दूध नहीं छुड़ा सकती, या बाप कह रहा है कि दूध छुड़ा दो औरत के मुझे पिलाना है तो दूध नहीं छुड़वा सकती 2 साल की मुद्दत के दरमियान में। दोनों अगर राजी हैं कि 2 साल से पहले ही दूध छुड़वा दिया जाए, और ये फैसला भी किस पर होना चाहिए, तशावुरीन, मशवरे से होना चाहिए, मशवरे से होना चाहिए, यानी मशवरा करें एक दूसरे से, बच्चे की जो कंडीशन है वो देखी जाए। किसी भी सूरत में अगर दूध छुड़ाना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो तो आपस की रजामंदी से भी नहीं छुड़वा सकती हैं, क्योंकि बच्चे की मसलहत सब पर राजे है और शरीयत ने वाजिब किया है अगर बच्चे के लिए नुकसानदायक है तो उसको दूध नहीं छुड़वाया जा सकता, उस पर उसको दूध पिलाना वाजिब है अगर औरत की इस्तेआत में है तो। तो 3 चीजें हो गई, बल्कि मियाँ बीवी दोनों राजी होना चाहिए, ये रजामंदी मशवरे से होनी चाहिए, और इसमें बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें पाई जा रही हैं तो बच्चे को 2 साल से कम की मुद्दत में दूध उससे छुड़वाया जा सकता है। फइन अरादा, तो अगर ये दोनों चाहें, फिसालन दूध छुड़वाना, अंतराजीन आपस में एक दूसरे की रजामंदी से, व तशावरीन और मशवरे से, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है।
इसलिए मैंने कहा कि जो 2 साल की मुद्दत है वो मुद्दत उस वक्त है जब दोनों में से कोई एक चाह रहा है कि दूध पिलाए, लेकिन अगर दोनों इस पर मुत्तफिक हो गए हैं कि दूध छुड़ा सकते हैं तो 2 साल से कम मुद्दत में भी दूध छुड़ाया जा सकता है, कोई गुनाह नहीं होगा, बशर्ते कि बच्चे को दूध छुड़ाने से कोई नुकसान ना हो रहा हो। फला जुनाह अलैहिमा। इस आयत से भी पता चला कि घर के मामलात में मियाँ बीबी को एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए, ना तो शोहर को डिक्टेटर बन जाना चाहिए कि वो बड़े बड़े फैसले अपनी मर्जी से ले और अपना फैसला औरत पर थोप दे, ना औरत को जो है ना वो कवाम बनना चाहिए कि वो बगैर शोहर की इजाजत के बड़े बड़े फैसले खुद ले ले। जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी फैसले बड़े लिए जाएं वो आपस में एक दूसरे के मशवरे से लिए जाएं। तो फरमाया फइन अरादा फिसालन अन तरादी मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा, अगर दोनों एक दूसरे की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। वह इन अरत तुम अंतस्तरजियो औलादकुम, और अगर तुम ये चाहो कि तुम अपने बच्चों को कहीं बाहर से दूध पिलाओ, यानी अगर कभी ऐसा हो कि ठीक है माँ दूध नहीं पिलाना चाह रही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल जो है ना ये तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं कि बाज मरतबा औरत जो है वो वर्किंग वीमेन है और वो अपने कारोबार या अपने जॉब के सिलसिले में बच्चे के दूध पिलाने में बहुत कोताही बरतती है, तो हालांकि उससे बच्चे को नुकसान हो रहा है तो ये तो फिर गुनाह हो जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ। बाज औरतें सिर्फ अपने फिगर को बचाने के लिए बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं, अल्लाह ताला के यहाँ तो ये गुनाह है ही है, खुद दुनियावी एतबार से भी ये बहुत नुकसानदायक है। ये कभी अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरत बनाई है उस फितरत से बगावत का नुकसान जो आखिरत में होगा वो अपनी जगह पर, जो कि मैंने हदीस में बताया कि सांप उसकी छातियों से लिपटे हुए उसको दर्श रहे, दुनिया में भी इसका बहुत शदीद नुकसान है। यानी आप देखिए कि बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पिछले कुछ सदी मतलब एक कुछ सालों में जो ब्रेस्ट कैंसर के जो वाकयात बहुत ज्यादा बढ़े हैं उसका बहुत बुनियादी सबब है औरतों का बच्चों को दूध नहीं पिलाना। यानी जैसे जैसे ये वीमेन लिबरेशन की तहरीक कामयाब हुई है और औरतों को घर से बाहर निकाल करके कारोबार में और जॉब के और जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर में लाया गया है, तो ऐसी फिर बहुत सारी औरतें जो बच्चा पैदा करने के बाद उनको दूध पिलाने का मौका नहीं होता है, वो उसको अपने लिए डिस्टर्बेंस समझती हैं और फिर वो बाज मरतबा अपनी जो है वो फिगर का और अपनी जिस्मानी बनावट का ख्याल रखने के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। आप देखिए उसके साथ ही औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के वाकयात बहुत शिद्दत से रुनुमा हो गए। बच्चे को दूध नहीं पिलाना, उसके आखिरत में जो अजाब है अपनी जगह पर, कैंसर का सबसे बुनियादी सबब जो ब्रेस्ट कैंसर औरतों को होता है उसका बुनियादी सबब बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चा अगर उसको दूध पिलाने की जरूरत है तो उस पर दूध पिलाना वाजिब है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि बच्ची माँ को दूध हो ही नहीं रहा है या कोई वजह वाकईतन जेन्युइन ऐसी है कि माँ दूध नहीं पिलाना चाहती है और बच्चे को नुकसान नहीं अगर वो बाहर का दूध पी ले या किसी दूसरी औरत का दूध पी ले, तो अल्लाह ने फरमाया वही नरत तुम तस्तरजियो, अगर तुम ये चाहो कि तुम अपने बच्चे को बाहर से किसी से दूध पिलवा दो, तस्तरजियो इस्तरजा बाब इस्तेफाल से जिसमें तलब के माना पाए जाते हैं, इस्तरजा से बनाए मतलब किसी दूसरी औरत से तलब करना कि वो मेरे बच्चे को दूध पिलाए, तो अगर बीवी के बजाय तुम किसी और औरत से दूध पिलवाना चाहते हो फला जुना अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन इसमें भी क्या है कि बीवी इजाजत दे रही है कि ठीक है मैं नहीं पिलाऊंगी आप कहीं और से पिलवा लें, और दूसरी कोई औरत मिल गई है तो उससे दूध पिलवा सकते हैं, फला जुना अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसमें भी शर्त वही है कि बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा माँ के अलावा किसी का दूध नहीं पीता और माँ का दूध ना छुड़ा देने पर उसको नुकसान हो, तो ऐसी सूरत में माँ ही का दूध पिएगा, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल कोई नहीं है, बच्चे को नुकसान नहीं है, फला जुना अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इदा सल्लम तुम मा आती तुम बिल मारूफ, जब तुम उस औरत को जिससे तुम दूध पिलवा रहे हो मारूफ तरीके से जो तुम उन्हें उसको लिए तय किया है वो उसको दे दो, यानी पैसा दे करके दूसरी औरतों से भी दूध पिलवाया जा सकता है, क्योंकि अरबी माशरे में ये था कि दाइयां जो है दूध पिलाने वाली वो दूसरी औरतें भी हुआ करती थी बहुत सारी, जो पैसा लेकर के दूध पिलाती थी बच्चों को, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने दूध पिलाया और अल्लाह के नबी के एक काफी उम्र तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में उनके खानदान में उनके घर में पले बढ़े। तो अगर कोई औरत पैसा लेकर के दूध पिला रही है तो पिला सकती है, अलबत्ता उसमें जो है ना इस बात के लिए बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कौन औरत किस बच्चे को दूध पिला रही है, इसका एक बाकायदा इस पर गवाह बना करके रखें, बच्चों को बता करके रखें। और इसी हवाले से मैं खास तो इस तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूंगा आप लोगों की कि आजकल जो ये मिल्क बैंक का तसव्वुर है, तो ये तसव्वुर यानी इस हद तक के ठीक है कि गरीब बच्चों को जो जिन औरतों को ज्यादा दूध हो रहा है वो अपना दूध डोनेट कर दें, लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसी ऐसी कोई जो है ना वो तंजीम बनती है या ऐसी कोई तरतीब बन भी रही है तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें बाकायदा नजर में रहें और कि आपका दिया हुआ दूध जो है वो किस बच्चे को पिलाया जा रहा है। यानी खास तौर पे कोविड में जो है
इस तरह के सवालात मेरे पास आए कि बहुत सारे ऐसे जो तंजीमें हैं, रिफाही तंजीमें, जो उन औरतों का दूध जमा करती हैं जिनसे जो जिनको जो है वो एक्स्ट्रा दूध हो रहा है, और ऐसे बच्चों को पिलाती हैं जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, या फिर जो जिनकी माओ को दूध नहीं हो रहा है। तो ये सूरत हाल असलन हलाल है अगर सबको पता हो कि जिस औरत ने दूध लिया है उस औरत का दूध किस बच्चे को पिलाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं बताया जाएगा, ये पता नहीं चलेगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि मुमकिन है एक बच्चा 5 मरतबा दूध पी ले और उससे रेजात साबित हो जाए और पता ही नहीं कि वो हराम है। और बहुत इस बात का भी इम्कान है कि फिर वो अपनी किसी हराम जो है रिश्ते में शादी भी कर ले। तो अगर कहीं दूध डोनेट किया जा रहा है तो ये जरूरी है, अगर कोई इसकी तरतीब बना रहा है तो, क्योंकि आमतौर पर जो मिल्क बैंक वाले होते हैं ये कोई इस तरह की तरतीब नहीं बनाते, तो फिर ऐसे मिल्क बैंक में दूध डोनेट करना हलाल नहीं है। बेशतर उलमा की ये राय है कि ऐसे मिल्क बैंक में दूध डोनेट नहीं किया जा सकता है जिनके पास कोई डिटेल नहीं मौजूद होती कि किस औरत का दूध किस बच्चे को दिया जा रहा है। तो दूध पिलाया जा सकता है, बाहर की औरत दूध पिला सकती है, पैसे लेकर के भी पिला सकती है, फ्री में भी पिला सकती है, लेकिन इसका, क्योंकि ये बहुत, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका ताल्लुक बाकायदा हुर्मत से है, यानी कौन सा रिश्ता हलाल है कौन सा हराम है। इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जिन बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है उनके बारे में पता हो कि इन दो लोगों के दरमियान में रेजात की हुर्मत साबित हो गई है, ताकि जाकर के आगे जाकर के कभी ऐसी सूरत हाल पेश ना जाए कि बच्चा अपने किसी रजाई बहन से या रजाई खाला से, रजाई फूफी से ही शादी कर रहा है। ये सूरत हाल पेश ना इसलिए जरूरी है कि पहले से पता हो कि किस बच्चे ने किस औरत का दूध पिया है। तो अगर ऐसा कोई मामला है कि पैसा दे करके दूध या फ्री में भी अगर कोई पिला रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बिल मारूफ ही कि सब मारूफ तरीके से होना चाहिए, नहीं मारूफ तरीके से जितना एक औरत का बनता है उतना आप उसको दें। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमु अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और जान लो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला उसको देख रहा है, अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है। तो अल्लाह से डरो, आप देखिए कुरान मजीद के अंदर चाहे अकीदे का बयान हो रहा हो, चाहे अखलाकी मामला बयान हो रहे हो, चाहे कोई फिकही मसाला बयान हो रहा हो, तकवे का जिक्र बराबर आता है। क्योंकि तकवा जब बंदे के दिल में आता है तो सब सुधर जाता है, उसका अकीदा भी सही हो जाता है, उसका अमल भी सही हो जाता है, उसके अखलाक भी सही हो जाते हैं। तो तकवा, सारी चीजों की जड़ तकवा में, जब दिल में तकवा हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो बंदा हर चीज का ख्याल रखता है, वो अकीदे की भी हिफाजत करता है, वो अमल की भी हिफाजत करता है, वो इबादतों में भी उसका दिल लगता है, वो अखलाक भी उसके दुरुस्त हो जाते हैं। तो तकवा हर चीज का जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो है तकवा। वालमु, और जान लो, अन्न अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, के अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस चीज को देख रहा है जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे अमल से, तुम्हारे अमल को अल्लाह ताला देख रहा है। अब इसमें भी अल्लाह ताला ने क्या बता दिया कि जानो, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के नामों और अल्लाह ताला की सिफतों को जानना कितना जरूरी है। क्या जानो? इल्म हासिल करो। किस चीज का इल्म हासिल करो? कि तुम्हारे आमाल का अल्लाह बसीर है। बसीर होना क्या है? अल्लाह का नाम भी है बसीर और अल्लाह की सिफत भी है बसीर। अल्लाह के हर नाम में अल्लाह की एक सिफत भी मौजूद होती है। तो अल्लाह ताला बसीर है। अब देखना अल्लाह ताला का फेल है। तीन चीजें हमको पता चली, बसीर अल्लाह का नाम है, बसारत अल्लाह की सिफत है, और देखना अल्लाह ताला का एक फेल है, अल्लाह एक काम करता है और वो क्या है? देखना। तो जब ये पता चला तो इससे हमको पता चला कि अल्लाह ताला के नामों और उसकी सिफतों और उसके अफाल का इल्म हासिल करना जरूरी है। वालमु, जानना वाजिब है ना, अल्लाह ने कहा जानो, तो जानना क्या है? वाजिब है। हुक्म फेल है, अम्र जो है वो वजूब पे दलालत करता है। तो अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफतों का इल्म हासिल करना वाजिब है। ये एक ऐसा जो है वो मौजू है जिस पर हमारी तरफ से बहुत कोताही होती है। अल्लाह ताला के नामों की मारिफत, ये बंदे के अमल, उसके अकीदे, उसके ईमान, उसके अखलाक में बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। इसलिए तमाम वाजिबात में सबसे पहला वाजिब अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफतों का इल्म हासिल करना है। और कुरान मजीद में इस तरह की ताबीरें बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी कि जान लो कि अल्लाह कदीर है या अल्लाह बसीर है, या अल्लाह ताला की किसी ना किसी सिफत का जिक्र आता है कि जान लो कि अल्लाह ऐसा है और अल्लाह ऐसा है। इससे पता चला कि जो चीजें जिनका जानना हम पर वाजिब है उसमें से क्या है? अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला की सिफतें। ये आयत नंबर 233 की तफसीर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब रिजात की बात आई, अब इसके साथ ही बेवा औरतों के मुतालिक भी गुफ्तगु यहाँ से शुरू हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अरबअत अश्हुरिन वअशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अलना फी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम, और तुम में से जिन लोगों को फौत कर दिया जाता है, युतवफ़ौना गुजारे का सिग़ा है कि तुम में से जिन लोगों की, जो लोग फौत कर दिए जाते हैं, जिनकी वफात हो जाती है,
वयजारून अजवाजन, और वो छोड़ करके जाते हैं अपने पीछे बीवियां। ये तरबसना भी अनफुजहीन ना अरबात अशहरी आशरा, वो रोके रखेंगी अपने आप को 4 महीना और 10 दिन। अब यहाँ पर मुतवफ़ा अनहा जौजुहा, बेवा औरत को अरबी में क्या कहते हैं, मुतवफ़ा अनहा जौजुहा, जिसके शोहर की उससे पहले वफात हो गई हो। बेवा औरत के बारे में कुछ अहकाम यहाँ पर बयान होंगे इस आयत में भी और इसके बाद वाली आयत में भी। पहला हुक्म क्या बयान हो रहा है, वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम, तुम में से जो फौत किए जाए, वफात हो जाए उनकी। कौन फौत करता है? कुरान मजीद में फौत की निस्बत कभी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है, अल्लाह ये तवफ्फल अनफुसाहीना मौतिया, अल्लाह ताला है जो जानों को, असल में वफात का मतलब होता है कब्ज कर लेना, पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लेना। तो एक तो ये आता है कि कब्जे में कौन लेता है, कब्जे में अल्लाह ताला लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को कि तुम रूह कब्ज कर लो। तो कभी इस युतौफाना फिल मुजारे की कब्ज कर लिए जाए तो कौन कब्ज करने वाला है, कब्ज करने वाला अल्लाह है। और बाज जगहों पर फरिश्तों की तवफत हुरुसुलना, फरिश्तों की तरफ इसकी निस्बत की गई कि फरिश्ते हैं जो रूहों को कब्ज कर लेते हैं। तो जिनकी रूहें कब्ज कर ली जाए, जिनको वफात दे दी जाए, और वह जरून अजवाजन, और वो अपने पीछे बीवियां छोड़ करके जाए। अरबी में शौहर और बीवी दोनों के लिए जौज ही का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसलिए बीवी को जौजा कहना या बीवियों को जौजात कहना ये गैर फसीह है। यानी अरबी में जौजा ता के साथ इस्तेमाल नहीं होता है बीवी के लिए, बीवी के लिए अरबी में जौज ही का लफ्ज आता है, जैसे शोहर के लिए जौज का लफ्ज आता है। इसलिए जौजात नहीं कहा बल्कि अजवाज कहा। ये जो बाज लोग जौजात बीवियों को कहते हैं या बीवी को जौजा कहते हैं, ये फसीह अरबी नहीं है। फसीह अरबी में बीवी के लिए भी वैसे ही जौज का लफ्ज आता है जैसे शोहर के लिए जौज का लफ्ज आता है। तो जो लोग जिनकी वफात हो जाए, वह जरून अजवाजन, और वो अपने पीछे छोड़ करके जाए बीवियां, तरबसना भी अनफुसहिन्ना अरबात अशहरी आशरा, वो औरतें अपने आप को रोके रखेंगी 4 महीना 10 दिन। रोके रखेंगी के मतलब किस चीज से रोके रखेंगी, दो तरह की चीजों से रोक करके रखेंगी। पहला निकाह से रोके रखेंगी, निकाह नहीं करेंगी। दूसरा जेब व जीनत से और उन सारी चीजों से रोक करके रखेंगी जो एक औरत पर अपने शौहर की इद्दत के दरमियान में, जब उसका शौहर बहुत तर्क हो चुका हो तो वाजिब है। यानी जैसे जो बेवा औरत की इद्दत होती है वो मुतल्लका और मुख्तलिया औरत की इद्दत से अलग होती है। बेवा औरत की इद्दत में सिर्फ यही नहीं है कि वो निकाह नहीं कर सकती, बल्कि ये भी है कि वो जेब व जीनत इख्तियार नहीं कर सकती। तो मारूफ मानों में जिन चीजों को उर्फ में जीनत कहा जाता है, औरत उस जीनत से बचेगी, जेवरात नहीं पहनेगी और काजल नहीं लगाएगी और जो भी जीनत की चीजें होती हैं वो नहीं करेगी। ऐसे बहुत भड़कीले किस्म के लिबास जो जीनत के लिए पहने जाते हैं, वैसे वो जीनत के लिबास भी नहीं पहनेगी। तबस्ना वो रोक करके रखेंगी अपने आप को कितना महीना, 4 महीने और 10 दिन। तो इस आयत में बेवा औरत की इद्दत बयान हुई कि बेवा औरत की इद्दत कितनी है, 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। ये 4 महीने 10 दिन तमाम बेवा औरतों की इद्दत है। यानी चाहे वो औरत जो है वो उसकी विदाई हुई हो या विदाई नहीं हुई हो, बाज मरतबा शादी हो जाती है विदाई नहीं होती है, तो उसको भी जो है विरासत में हिस्सा मिलेगा अपने शौहर के, और वो भी 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारेगी। अगर उसकी विदाई हो गई है तो भी, अगर उसको हैज आता है तो भी, अगर उसको हैज नहीं आता बूढ़ी हो गई है तो भी, हर सूरत में हर औरत की इद्दत क्या है, वल्लदीना, क्योंकि ये सिला है और इसमें ये इसमें उमूम के माना पाए जाते हैं, उसूल फिक्र में वैस आती है। तो क्या होगा, हर औरत जिसके शोहर की मौत हुई है उसकी इद्दत कितनी है, 4 महीना 10 दिन की उसकी इद्दत है। अलबत्ता सिर्फ एक किस्म की औरत है जो इससे खारिज है, जिसकी मुद्दत 4 महीना 10 दिन नहीं होगी। वो कौन सी औरत है, ऐसी औरत जिसकी जो हालत हमल में हो और उसके शोहर की वफात हुई हो। अगर औरत प्रेग्नेंट है और उसके शोहर की वफात हुई है तो ऐसी सूरत में वो औरत वज़े हमल तक के अपनी इद्दत पूरी करेगी। वज़े हमल यानी उसकी डिलीवरी तक की वो इद्दत पूरी करेगी। यानी उसूल मसला समझे, बेवा हर बेवा औरत की इद्दत 4 महीना 10 दिन है सिवाय प्रेग्नेंट औरत के। प्रेग्नेंट औरत की इद्दत जो है वो 4 महीना 10 दिन नहीं है बल्कि वज़े हमल है, यानी डिलीवरी है। चाहे वो डिलीवरी 4 महीना 10 दिन से पहले हो जाए, चाहे 4 महीना 10 दिन के बाद हो। बल्कि अगर उसके शौहर को अभी गुसुल भी नहीं दिया गया है और औरत जो है वो, यानी इमाम नोवी ने ये बात कही है कि अगर आज औरत को शौहर को गुसुल भी नहीं दिया गया और औरत को वज़े हमल हो गया, प्रेग्नेंट थी उसको बच्चा हो गया, तो वो किसी और आदमी से शादी कर सकती है, तदफीन से पहले भी शादी कर सकती है। सही कौल है उलमा के मुताबिक।
यानी इसमें सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था, लेकिन जो सरी नस इस बारे में मौजूद है उससे यही पता चलता है, सहाबा में बाज लोग गालिबन हजरत अली और इब्ने अब्बास भी गालिबन इसके कायल थे कि वो अबादुल अजलैन वाली इद्दत गुजारेगी। अबादुल अजलैन यानी जो सबसे ताखिर वाली मुद्दत है उस तक के वो हामला औरत अपने शोहर की वफात के वक्त जो है वो इद्दत करेगी। यानी वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए 4 महीना 10 दिन से पहले ही औरत को वजह अमल हो गया तो वो निकाह नहीं कर सकती है, 4 महीना 10 दिन मुकम्मल होने का इंतजार करेगी। और अगर 4 महीना 10 दिन गुजर गए लेकिन अभी वजह अमल नहीं हुआ तो वजह अमल का इंतजार करेगी। यानी जो पीरियड सबसे लास्ट होगा अबादुल अजलैन सबसे ताखिर में जिस इद्दत में सबसे लेट होगा वो लेट वाली इद्दत गुजारेगी। लेकिन हमको अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लम के जमाने में इस तरह का मसला पेश आया था। हजरत इब्ने अब्बास के पास एक आदमी आया और हजरत अबू हुरैरा उसके पास बैठे हुए थे और उन्होंने इब्ने अब्बास से मसला पूछा गया कि 40 दिन के बाद ही औरत जो है उसको वजह अमल हो गया, डिलीवरी हो गई। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि वो आखिरुल अजलैन, वो अभी 4 महीना 10 दिन की इद्दत पूरी करेगी, डिलीवरी के बाद वो निकाह नहीं कर सकती है। और उन्हें कुरान मजीद की जो है वो फिर हजरत अबू हुरैरा ने जो है वो उनको कहा कि मैं इस मसले को ले जा करके पूछता हूँ। और इब्ने अब्बास ने अपने गुलाम कुरैब को उम्मे सलमा के पास भेजा मसला पूछने के लिए। तो उम्मे सलमा ने कहा कुतिला ज़ौजु सुबैया अलस्लमिया भैया हुबला, कि सुबैया अलस्लमिया के शोहर का इंतकाल हुआ था, उनको कत्ल किया गया था, शहादत की मौत पाई थी, वैया हुबला और बल्कि गालिबन उनके गुलामों ने उनको कत्ल कर दिया था, वैया हुबला और वो हालत हमल में थी। फवज़अत बाद मौत ही बेअरबाईन लैला, और सुबैया के शोहर की वफात के 40 रातों के बाद ही उनको हमल मतलब उनको वज़ हमल हो गया और बच्चा पैदा हो गया। फखुतिबत, तो उनको निकाह का पैगाम भेजा गया। फअनकहा रसूलुल्लाह सल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उनका निकाह करा दिया। यानी भी 4 महीना 10 दिन की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लम ने, क्योंकि वजह अमल हो चुका था जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ, तो वो प्रेग्नेंट थी और 4 महीना 10 दिन से पहले ही उनका वजह अमल हो गया, तो अल्लाह ने 4 महीना 10 दिन से पहले ही उनका निकाह करा दिया। वकान अबू सना बिन फी मन खतबा, और उनको जिन लोगों ने खिदबा दिया था उनमें से एक अबू सना बिन भी थे। तो इस सरी रिवायत की मौजूदगी में, जो कि बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, ये बात पता चलती है कि इस आम हुक्म से सिर्फ एक किस्म की औरत खारिज है, और वो कौन? हामिला औरत। कि हामिला औरत की मुद्दत 4 महीना 10 दिन की नहीं है बल्कि डिलीवरी की मुद्दत है। तो जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए वो इद्दत की हालत में रहेगी और इद्दत की सारी पाबंदियां वो इख्तियार करेंगी। अलबत्ता इद्दत के बाद वो निकाह कर सकती हैं, चाहे वो इद्दत 4 महीना 10 दिन से पहले ही वजह अमल हो जाए, 4 महीना 10 दिन के बाद वजह अमल हो। तो वल्लदीन यतवफौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन, अच्छा तरब्बसना से उलमा ने इस्तिदलाल ये किया कि रोक करके रखेंगे। रोक करके किस चीज से रखा जाता है? जिसकी बड़ी चाहत होती है इंसान को, इसलिए कहा कि वो रोक करके रखेंगी। पता चला औरत के अंदर शौहर की चाहत होती है, औरत चाहती कि वो शादी करे। अल्लाह ताला से ज्यादा औरत का मिजाज कोई नहीं समझता। अल्लाह ताला ये जानता है कि औरतें चाहती हैं कि उनका शौहर हो, बगैर शौहर की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। हाँ, उनके शौहर का इंतकाल ही क्यों ना हो गया, उनके अंदर चाहत होती है एक शौहर का इंतकाल हो जाए, तो उनकी चाहत होती है कि दूसरा एक शौहर उनकी जिंदगी में आए, और वो चाहत इतनी शदीद होती है कि अल्लाह को कहा गया कि रोक करके रखो, जल्दबाजी मत करो, इद्दत पूरी हो जाने दो। तो शरीयत ने उनकी इजाजत दी है, और हमको ये हक नहीं पहुंचता कि जो हक शरीयत ने एक औरत को दिया है हम उस हक से औरत को छीन लें। हमारे माशरे में एक अजीब तरह का मिजाज ये बन गया है कि बेवा औरत की निकाह को बहुत सारे माशरे के अंदर ऐब की निगाह से देखा जाता है, खासतौर पर अगर वो कम मुद्दत में शादी कर ले, साल भर के बीच में शादी कर ले। अब यहाँ देखिए सहाबियां हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अभी 4 महीना 10 दिन के मुद्दत पूरी नहीं हुई और उन्होंने निकाह कर लिया, कोई ऐब की बात नहीं। शरीयत ने अगर उस औरत को इजाजत दी है, हमको ये नहीं हक पहुंचता है कि हम बिला वजह, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बेवा औरतों से कहते हैं कि अरे भाई सब्र कर लो और बच्चों के सहारे जिंदगी काट लो। क्यों भाई बच्चों के सहारे क्यों जिंदगी काटे वो? हाँ, सहारा बच्चे नहीं होते, सहारा शौहर होता है एक औरत का। ये अजीब सा एक, और मैं तो देखा कि वो एक बहुत मशहूर वाइज हैं जो गैर मुस्तनद किस्म की जो है वो हदीसें और गढ़ करके कभी और यहां वहां की सुनाते हैं, तो वो तो बाकायदा देखा मैंने एक फजीलत बयान करने की, बेवा औरत अगर शादी न करे तो उसके लिए क्या फजीलत है? कोई फजीलत नहीं। बेवा औरतों की शादी कराने का हुक्म तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया है, वह अन क्यूल अयामा मिनकुम वस्सालीन मिन इबादिकुम, तुम में से जो अयामा है अय्यमा औरतें हैं जिनकी जो है वो शोहर दीदा औरतें हैं, चाहे वो तलाक हो गया, खुला हो गया, बेवा हो गई औरतें, उनका निकाह कराओ। कुरान मजीद कह रहा है उनका निकाह कराओ। कुरान से पता चल रहा है कि ऐसी औरतों के अंदर निकाह की ख्वाहिश होती है, उनको निकाह कर लेना चाहिए। माशरे में किसी भी उम्र में औरत अगर बगैर निकाह के बैठी होती है तो वो माशरे के लिए फितना होती है,
और खुद उसके लिए माशरा फितना बन जाता है, वो माशरे के लिए फितना होती है और माशरा उसके लिए फितना बन जाता है, या तो वो खुद गुमराह हो जाती है या फिर ये कि माशरा जो है उसके पीछे पड़ जाता है। बगैर शौहर के औरत हमारे माशरे में कटी पतंग की तरह होती है, जिसको लूटने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं। उसकी हालत उस बकरी की तरह होती है जो अपने रेवड़ से अलग हो गई है और भेड़ियों के नरगे में आ गई हो। कोई हर्ज की बात नहीं है अगर एक औरत अपने शौहर की वफात के बाद निकाह कर ले। आमतौर पर आप हदीसों में देखेंगे कि बेवा औरतें इद्दत खत्म होती है अल्लाह के नबी सब के जमाने में, जीनत करने लगती थी और उनको निकाह के पैगाम आने लगते थे। इद्दत खत्म होती है, बल्कि इद्दत के दरमियान में लोग पैगाम भेजने लगते थे, जिससे कुरान मजीद की अगली आयत में अल्लाह ताला ने मना किया है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि औरत अगर बेवा हो गई है तो उसके निकाह करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इसको एक टैबो किसी का बना देना, यानी हिंदुस्तान में तो एक जमाने तक के बेवा औरतों की शादी की ही नहीं जाती थी। यानी हिंदुओं में तो ये होता था कि बेवा औरत को जला दिया जाता था उसके शौहर के साथ। उसका असर मुसलमानों पे ये हुआ कि वो जलाते तो नहीं थे पर निकाह नहीं करते थे। और अल्लामा सैयद शाह इस्माइल दहलवी ने तो बाकायदा तहरीक निकाह बेवगा के नाम से अपने जमाने में पूरी तहरीक छेड़ी थी कि बेवा औरतों का निकाह कराया जाए। और उन्होंने खुद आगे बढ़ करके अपनी बहन का, जो कि ना सिर्फ की बेवा हो चुकी थी बल्कि बूढ़ी भी हो चुकी थी, उनका निकाह कराया, ताकि लोगों को एक जो है उसके जरिए से एक इंकरेज करें लोगों को, एक मोटिवेशन मिले। और उनके जमाने में ढूंढ ढूंढ करके फिर बेवा औरतों का निकाह कराया गया। तो बेवा औरत अगर निकाह करना चाह रही है, इसमें कोई ऐब की बात नहीं। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ निकाह के लिए इतने मर्द हजरात मौजूद ही नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है बेवा औरत निकाह करेगी तो उसकी इसका इम्कान बहुत कम होता है कि कोई कुंवारा लड़का उससे शादी करे। ज्यादा इम्कान इस बात का होता है कि वो किसी आदमी की दूसरी बीवी बन जाए। तो ये कि हमारे यहाँ क्योंकि दूसरी शादियों का रिवाज नहीं है, तो एक औरत जो है वो अपनी बहन को इतना सा सहारा नहीं दे सकती है कि वो अपने शौहर को उसके साथ शरीक कर ले, ताकि एक औरत जो शौहर के साय से महरूम है, कम से कम एक शौहर का साया भी उसको मिल जाए। तो बहरहाल कुरान मजीद की शायद से क्या पता चलता है कि औरत निकाह की चाहतमंद होती है, औरत के अंदर निकाह की जरूरत होती है, उसकी चाहत होती है। तभी तो उससे कहा जा रहा है तरबस ना भी अनफुसिहिन्ना, कि वो अपने आप को रोक करके रखें। हाँ, कब तक रोक करके रखें? 4 महीने 10 दिन तक। फैदा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो अपनी मुद्दत को पहुंच जाए यानी उनकी इद्दत खत्म हो जाए। फला जुना अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना, तो तुम पर कोई पकड़ नहीं है जो अपने आपके लिए वो करें। बिल मारूफ मारूफ तरीके से वो जो भी फैसला लें, तुम पर कोई पकड़ नहीं। असल में होता क्या था, इसमें सिर्फ अहकाम नहीं बयान हो रहे, जो अरबों के यहाँ गैर शरई रसूम रिवाज फरोग पा चुके थे, इन आयतों के जरिए से उन रसूमात को भी खत्म किए जा रहे हैं। होता ये था वही कि औरत अगर बेवा हो जाती थी तो उसको बाज मरतबा जबरन जो है ना वो बिल्कुल विरासत की तरह तकसीम कर दिया जाता था। यानी अब शादी हो गई, अब उसके बाद शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब भाई ये बोलता था कि मेरे शोहर मेरे भाई ने तुमको महर दिया है, अब मैं तुमको कहीं और नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे निकाह करूंगा, और बगैर महर दिए उससे निकाह कर लेता था। हाँ, या बाज मरतबा तो विरासत की तरह तकसीम होती थी वो। तो इन सारी चीजों से मना किया गया कि अब वो आजाद है, वो जो भी अपने बारे में फैसला करे उसको फैसला करने का इख्तियार है, तुम उस पर कोई जबर नहीं कर सकते हो। सूरह निसा में बयान हुआ वला तरिसु निसा अकरहा, कि जबरदस्ती औरतों के वारिस मत बन बैठो कि नहीं अब मेरे बाप के बाद मैं ही जो है। बाद में ये भी होता था कि अपनी माओ से जो निकाह कर लेते थे लोग, कि मेरे बाप के बाद अब मैं इससे निकाह करूंगा और ये मेरी उसमें रह गई, या भाई ये बोलता था कि मेरे भाई ने इसको महर दिया है तो अब मैं क्यों उसको जाने दूं, अब मैं इससे निकाह करूंगा, और औरत को कोई इख्तियार नहीं होता था। फरमाया फीमा फअलना, वो जो खुद करेंगी अपनी मर्जी से, तुम्हारे पर कोई हर्ज नहीं है। उनको अगर हलाल तरीके से जो भी कर रही है उनको करने दो, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो तुम भी जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उसका उससे बाखबर है। तो ये एक तरह से बेवा औरतों पर बहुत जुल्म और सितम होता था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जमाने जाहिलियत में तो बेवा औरतों की जो इद्दत थी वो 1 साल की थी। मुशरिकीन जो थे, जाहिल मुशरिकीन, उनके यहाँ बेवा औरत की इद्दत जो होती थी वो 1 साल की होती थी, और 1 साल तक के लिए उसको घर में बंद कर दिया जाता था, ना वो नहा सकती थी ना अपना बाल बना सकती थी, बड़ी सख्तियां उसके ऊपर होती थी। तो शरीयत के ये अहकाम ना सिर्फ ये कि अहकाम है, बल्कि उस जमाने में औरतों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बेवा औरतें हर माशरे के अंदर मजलूम रही हैं। आप हिंदुस्तान में भी देखिए ना, सती कर दी जाती हैं, या बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता है, उनको किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं होने दिया जाता है। कुछ बात मुस्लिम इलाकों में भी ये सूरत हाल है, और वो क्या, वो एक वृंदावन जो कहा जाता है, तो वहां पर भेज दिया जाता है औरतों को, बाल बाल चिल्ला करके वो वहां पर जो है वो दासी बन जाती हैं और वहीं पर रहती है जिंदगी भर। तो हर माशरे के अंदर बेवा औरतों के साथ बहुत बदतरीन सुलूक किया गया, और उन जाहिली माशरों को सामने रख करके आयत पढ़े तो अल्लाह ताला ने औरत पर यह भी कितना बड़ा एहसान किया है कि शौहर की मौत के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या लाजिम किया गया है कि भाई 4 महीना 10 दिन तक की इद्दत में रहो,
इद्दत में रहो यानी शादी नहीं कर सकती तुम, इद्दत में रहो यानी बहुत जेबो जीनत नहीं कर सकती, जेबो जीनत नहीं कर सकती हो, घर से बाहर बंद नहीं किया गया है, ये कि गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर मत निकलो, जरूरत के तहत घर से बाहर निकल सकती है कोई, अगर वो जो है टीचर है पढ़ा रही है पढ़ाने जा सकती है, कोई तालिबा है पढ़ रही है अपनी तालीम मुकम्मल कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो दिन में ही निकल करके सूरज डूबने से पहले अपने घर में वापस आ जाए। तो दिन में अपनी जरूरत के तहत निकल सकती है, अगर कोई सौदा सलफ लाकर देने वाला नहीं है तो बाजार लेने के लिए भी निकल सकती है, कोई अगर जो है वो कुछ उसको जरूरी काम हो इलाज के सिलसिले में तो जा सकती हैं, या जो है वो कोई कानूनी जैसे विरासत वगैरह के मसाइल होते हैं तो कोई कानूनी पेचीदगी जैसे घर से बाहर निकल रही है तो जरूरत के तहत वो घर से बाहर भी निकल सकती है, अलबत्ता मगरिब होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले वापस घर पे आ जाए। तो ये तो जो मुतवफ़ा अनहा जोजुहा यानी जिसके शोहर का इंतकाल हो गया हो, बेवा औरत की इद्दत के बहुत सारे अहकाम है, उन अहकाम को जमा करना यहाँ पर मेरा मकसद नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो जाहिली माशरों में बेवा औरतों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, कुरान मजीद ने उन सब से उस बोझ से आजाद कर दिया, और हमारी बहनों को इस हवाले से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जो बोझ जाहिली माशरों ने औरतों पर डाला हुआ था बेफिकी का, अल्लाह ताला ने उससे उनको आजाद कर दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या है, बस 4 महीना 10 दिन तक के वो इद्दत की पीरियड में रहेगी, उस दरमियान में वो खुशबू नहीं लगाएगी, जीनत और जेबो जीनत इख्तियार नहीं करेगी, और इसी तरह से वो जो है वो गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर नहीं निकलेगी, जरूरत के तहत घर से बाहर निकलेगी। अच्छा, इस आयत में एक आखिरी बात भी मैं बोलता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया, कि ये जो कहा गया 4 महीना 10 दिन, इसका मतलब ये है कि सिर्फ शौहर ही एक ऐसा शख्स है जिसकी जिसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन की है, जिसके लिए 4 महीना 10 दिन तक के जेबो जीनत औरत छोड़ेगी और वो खुशबू नहीं लगाएगी, वो उसके लिए सोग करेगी, सोग जो है वो सिर्फ शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन का है बीवी को, बाकी किसी और भी किसी भी औरत के लिए 4 महीना 10 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं है, 4 महीना 10 दिन से ज्यादा वो सोग नहीं मना सकती है। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि हजरत जैनब कहती हैं कि मैं उम्मे हबीबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी उनके पास दाखिल हुई जब उनके अब्बा अबू सुफियान सुफियान इब्ने हर्ब का इंतकाल हो गया। तो उम्मे हबीबा अल्लाह के नबी की बीवी है, अबू और सुफियान जो है वो सुफियान बिन हर्ब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे। तो जब सुफियान का इंतकाल हो गया और 3 दिन गुजर गए तो उम्मे हबीबा ने क्या किया, एक खुशबू मंगाई और खुशबू मंगा करके खुद लगाया और अपनी जो लौंडी थी वहां पे जो लोग मौजूद थे उनसे कहा, वल्लाही माली बित्ती भी मिन हाजतिन गैर अन्नी समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुल ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तहिद्दु अला मय्यितिन फौका सलासी लियाल इल्ला अला ज़ौजिन 4 अशहरिन व 10। कि अल्लाह की कसम मुझे खुशबू लगाने की कोई हाजत नहीं थी, लेकिन मैंने खुशबू क्यों लगाई, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान रखती हो उसके लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी मैयत पर सोग मनाए, सिवाय औरत बीवी के तो वो अपने शौहर पर 4 महीना 10 दिन सोग मनाएगी। तो शौहर के अलावा किसी भी मर्द, चाहे वो आपका अपना बाप ही क्यों ना हो, उसके लिए 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं, सिर्फ बेवा औरत को इजाजत है कि वो अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन का सोग मनाएगी। ठीक है, आज का दरस यहीं पे खत्म करते हैं। सुभानअल्लाह बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, अशहदु अल्ला इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।